मारूंगा। भाई साहब लोग को टॉयलेट में जाना पड़ेगा, आप लोग कहाँ तक जाओगे? सिकंदराबाद तक। कितना प्यार है सनम। अब इसी का दोस्त दोस्त है कोई? हम लोग नहीं किए सर। जैन दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का? मेरा नाम अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के राजधानी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से। और आप सभी को भाई साहब, जो मैं ट्रेन जर्नी कराने वाला हूं, बहुत ही अल्टीमेट और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, क्योंकि आप सभी को भाई साहब पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपका इस ट्रेन का इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई साहब मुझे आना पड़ा, क्योंकि यह है दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में भाई साहब टिकट लेना और बिहार के लड़कों को सरकारी नौकरी लेना दोनों ही मुश्किल की काम होती है, इसलिए भाई अपने आप को भी टिकट मिला नहीं है, तो हम लोग आप सभी की ट्रेन में जर्नी कराएंगे जनरल क्लास में। और आप सभी भाई साहब सिकंदराबाद का जनरल क्लास क्या ही बताऊं कि क्या हालत होता है, कंडीशन नहीं बताऊं। दानापुर में है और दानापुर से ही देख सकते हैं कि अभी ये ट्रेन पता नहीं कितनी सारी होल्ड, कितने सारे स्टेशनों पर रुकती है। भाई देख, इधर एक बैग हम दिया, और बैग देखो विशाल भाई ने पहले अंदर घुसते ही बैग कहाँ बांधा, मतलब बैग रखने की जगह नहीं है, और बैग रखने की जगह भी है तो ये बड़े भाई जैसे ऊपर ऊपर बैठना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को सिकंदराबाद जाना, और सिकंदराबाद जाने में ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। और टिकट पता है ये लोग, आप लोग कहते हो कि लोग जनरल में क्यों जाते हैं, जनरल में इसलिए जाते हैं ना कि किसी को सीटी का टिकट ही नहीं मिलता है, नहीं तो किसी का भी शौक नहीं है कि जनरल में, सब 500 रुपये खर्चा करने लायक यहाँ पे है। बाकी देखते हैं जनरल क्लास की जर्नी और स्लीपर क्लास की जर्नी कैसी कटती है आप सभी के साथ। बाकी ट्रेन खुलने वाला है कुछ ही देरों में। बैग फेंकवा देते हैं सर, दौड़ो मत। बैग दे भाई, बीच में कहाँ उतरता है रे भाई? आपके पास फोन है ना? हाँ, मेरा नंबर डाल पड़ेगा। क्या हो गया? अब इसी का दोस्त दोस्त है कोई? हम लोग नहीं किए सर। चलिए जी भाई साहब, ट्रेन अपनी निकल चुकी है सिकंदराबाद के लिए, और सिकंदराबाद हम और हमारे ही बड़े भाई लोग पता नहीं कैसे पहुंचे, का है कि अभी देख सकते हो गेट पे कैसे भी लटक लटक के खड़े। बाकी वैसे बात करते हो ओवरऑल जर्नी में मज़ा आने वाला है, क्योंकि शुरुआती जर्नी बैकअप मारने से हुई, तो आप समझ सकते हो कि जर्नी कैसा होने वाला है। बाकी ओवरऑल जर्नी मज़ेदार लगे तो भाई साहब वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं और आपका ये सारे भाई लोग मिलते रहेंगे आप सभी के एक नए सफर के साथ। जब तक देखते हैं आरा बक्सर पटना दीनदयाल जो भी आने वाला है ना, हालत खराब हो जाएगा। किसी के शादी है बचवा, गरीब के लड़की है, ये बात की मदद करती पंच से चंदा मांग रहा बनी, आप लोग कुछ मदद करी, बेटी के दान दिया जला, ये बाबू गरीब के लड़की है, पंच लोग के सहारा मारे, उतना चाय पान करके थूक दे तो बचवा 10 रुपया तैयार किया, पर कथा में आदमी डाल दे मारा जाता है, चलो बूढ़े लेकर मेहरबानी का वो तरह ला के निकला। और दोस्तों देखे ना, जैसी ट्रेन निकलना तो शादी के नाम पे, रक्षाबंधन के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे लोग पैसा मारने लगते हैं। और एक फर्क देखिए, ये है जनरल क्लास, जनरल क्लास यहाँ पे है, और यहीं पे जस्ट मिलेंगे तो आपको स्लीपर क्लास मिलेगा, जो कि फिलहाल में अभी खाली है, लेकिन जब से आरा से बक्सर से गुजरेंगे ये अपना स्लीपर क्लास भी जनरल क्लास से कम नहीं रहने वाला है, यकीन नहीं है ना? तो ब्लॉग आगे देखते जी, आप मिल जाओगे अंदर से कि ये ट्रेन का ऐसा हालत होता है क्या। बस बस, थैंक यू। तो भाई साहब यही है मरे मरे से समोसे, बस टेस्ट अच्छा हो यही शुगर करते हैं। तुम भी खाओगे भैया? नहीं खाइएगा, जाइए भैया। और समोसे की टेस्ट की बात कर तो चाय भी नहीं अजीत भाई, नहीं नहीं ऊपर से ठीक है, जैसा कहते हैं ना ऊपर से झुटझट अंदर से रमरेखा घाट, वही ट्रेन का हालत है। भूख वूख लगा हो, सांस वो चटक रहा हो तो खा सकते हो, ना खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ओ भाई देखो ए, कैसे भाग रहे आरा लकड़ी का आरा आरा जंक्शन। भाई आराम से आराम से। भीड़ कितना है भाई, भीड़ कितना है? तो चलिए जी भाई साहब, हम और हमारी ये सुपर लेजेंडरी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा, और आरा में देख सकते हो भाई साहब आते ही मतलब बवाल मच चुका है,
भीड़ के कारण ये तो एक पहला गेट है, दूसरा गेट है नजारा। और भाई विकलांग जो बोगी है ना उसमें भी नहीं छोड़ा जा रहा, देख सकते हैं मतलब पूरा का पूरा भीड़ है। अब भाई ये घुसे भी ना तो मतलब जाए कहाँ, क्योंकि यही तो आगे एक जनरल का कुछ लगा, एक पीछे लगा है। ये ईओजी में लोग घुस रहे, वैसे बात करें आ रहा तो चार प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और चौथा जो प्लेटफॉर्म में देखिए ये वाला बना पड़ा है। वैसे आ रहा है भाई सब, आप जानते हैं ना कि भाई सब माँ आरण्य देवी के लिए फेमस है, और आप सब है क्या भाई का गाँव भी कहीं और नहीं आ रहा मैं ये, तो वैसे आ रहा जंक्शन भी है जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से सासाराम की तरफ एक लाइन जाती है। अगर सासाराम जाके अगर आपको गया तरफ जाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। वैसे देखो पुलिस को घुसाना पड़ रहा है स्टेशन में क्योंकि भाई साहब आदमी अपने आप इसमें कुछ नहीं सकते। भाई साहब ये देखो अरे खेल रहे देखो स्लीपर का भी हालत ऐसे ही हो चुका है, बाकी सारे पास जनरल का ठीक है तो भाई साहब जनरल में जाना पड़ेगा ना। हाँ चलो चलिए। और भाई साहब बताइए कहाँ आदमी जाएगा नहीं जाएगा, अब तो सोचने लगे कहाँ जाइएगा चाचा? नागपुर जाना, नागपुर जाइएगा तो रेलिया अंदर ठेलिए कहीं दीवार बताइए, आप गेट पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, देखते हैं नहीं तो। चलिए चलिए बक्सर है, आजा भाई आजा, अक्सर कर बक्सर में आराम से इसमें बहुत ही जगह है। और भाई साहब देख सकते हम लोग पहुंच चुका अपनी एक और हॉल्ट यानी बक्सर रेलवे स्टेशन पे। वैसे केवल तीन प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहां पे पूरे के पूरे 114 ट्रेनें रुक जाती हैं। वैसे अगर बात करूँ तो आगे पीछे बात है कि आप पीछे भीड़ काफी कम है और ये आगे जो है ना काफी भीड़ ज्यादा हो, क्योंकि देखो पीछे भी जनरल का कोच है आगे भी कोच है। वैसे अगर बात करूँ इस बक्सर में तो भाई साहब जानते हो ना अपने किस लिए फेमस है, काफी सारी चीजें जैसे आंगसम पापड़ी, यहाँ की माता गंगा माता। हाँ भैया और देखिए अपने भाई मिल रहे हैं यहाँ पे, बाकी आप ठीक है? एकदम बढ़िया अजीत, एकदम बढ़िया हूँ अजीत। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मस्त चल रहा है। मस्त चल रहा है ना? और बताइए, बस यही सब है बक्सर की। और बक्सर के भाई साहब थोड़ा दूर के बीच में ही पूरा का पूरा नींद ही लग गया था मेरे को, बाकी जनरल क्लास में देख लीजिए यही है पूरे का पूरे भीड़ लगा पड़ा है, क्या किया जा सकता है, हर स्टेशन का यही हाल है, मतलब ये सुधरने वाला तो है नहीं। चलिए जी देखिए जनरल में तो अभी घुसना मुश्किल ही है, तो बगल में ही गेट है स्लीपर का, अब नहीं भी जाएंगे तो कैसे, ट्रेन खुल चुके। चल बैठ चल भाई। ये मेरा चप्पल गया। हाँ और भाई साहब ये आ चुके हम लोग स्लीपर क्लास, और स्लीपर क्लास का ऐसा हालत होगा ये कभी हमने सोचा तक नहीं था यार, बहुत ही गंदा हालत है स्लीपर का। मैंने बोला था ना शुरू में आपसे जब मैं दानापुर से निकला था तब दिखाया था कि आप सभी को ऐसा हालत हो जाएगा कि जनरल क्लास भी इसके आगे फेल हो जाएगा, और जनरल क्लास में क्या है घुसे, जनरल में स्लीपर मुझे बात बराबर है। अब देखते जब आगे, अभी दिलदार नगर में दिल इसका ऐसा टूटेगा कुछ होने वाला नहीं है। शादी हो गया तेरा, इसका शादी लगता हो सकता है इतना जल्दी। कितना प्यार है सनम, कितना प्यार है हम हमें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तनहा, कैसे रहे तेरे चारों तरफ फैली। नहीं आप डीआईडी में क्यों नहीं गए, डांस ही दिया डांस में, मैं डांस नहीं करती, गाना नहीं करती, तो उसमें जाओ गा लेते हैं, सिंगिंग सिंगिंग में जाओ, इंडिया में चलती हूं, इंडियन आइडल में जाओ, Instagram से पैसा कमा लो। Instagram से आपका आईडिया क्या बताइए 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 क्या? दिलदार नगर और ये दिलवालों का शहर है, लेकिन क्या कीजिएगा भीड़ बहुत ज्यादा है। दिलदार नगर जंक्शन, और दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश में, और हम लोग पहुंच चुके हैं दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाहर आगे पीछे स्टेशन में भाई साहब मस्ती तो दबा के है,
लेकिन एक ही दिक्कत है कि इस ट्रेन में भीड़ भी दबा के। वैसे ये चार प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पूरे के पूरे 50 ट्रेनें आके रुक जाती हैं। वैसे अगर बात करें तो जब भी आप किधर उधर से आओगे या इधर से जाओगे तो अधिक से अधिक दिलदार नगर तक भीड़ मिलेगा, क्योंकि उधर लोकल चढ़ने लगते हैं, पूरे पटना जाने वाला है, पटना से जो चढ़ने वाले होते हैं इधर धीरे धीरे उतरने लगते हैं। वैसे अपना भी केवल छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट है, बाकी देखते हैं स्लीपर की तरफ का। तो अभी माहौल जो आगे कोचेस है ना वो ठीक है, लेकिन जो जनरल क्लास के पास जिसका टिकट पड़ जाता है उसका भाई, इसीलिए कभी भी अगर सीट ऑनलाइन बुक करते हो तो 1 नंबर और 10 और 11 नंबर कभी भी प्रेफरेंस में नहीं डालना, उसके बीच वाले में कोई प्रेफरेंस में डाल देना, 5, 6, 4 ऐसे कर तो ज़्यादा अच्छा मिलता। बाकी चलते हैं, हॉर्न हो चुकी है अपनी ट्रेन की। और भाई साहब देख सकते हो अपने दिलवालों के शहर दिलदार नगर से निकल चुके ट्रेन, लेकिन यहाँ का लोग एक ही का दिक्कत है ना भाई, कहीं ट्रेन में चढ़ जाते हैं जो बाहर खड़े तो घुस नहीं देते। भाई चढ़ जाओ यार, अंदर चढ़ के बात करो, सीट ढूंढो जो भी करना है, वही तो कोई लात जूता मार के उतर जाएगा, क्या फायदा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे पहले आप लोग मुगल सराय के नाम से भी जानते थे, लेकिन अब भूल जाना। वैसे अगर बात करूं तो यहां पर भी भीड़ उसी तरह का है जैसे पीछे में था, मतलब किसी भी रेलवे स्टेशन चल जाओ किसी भी इस ट्रेन के बारे में, क्योंकि देखो सिकंदराबाद जाने के लिए मात्र को एक ही ट्रेन है यहाँ से लेके बनारस तक, बाकी देख लो भीड़ तो भाई यहाँ भी है। वैसे अगर बात करें इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो अपने टाइम से पूरे का पूरे 20 मिनट हम लोग पहले आ चुके हैं, जिसमें अब तो ये होगा ना कि लोगों गिरने का डर नहीं रहेगा, अपने टाइम पर चढ़ जाएंगे। लेकिन क्या कहिएगा, अब इतना सारा बोरा पार्टी लेके, अब विकलांग बोगी से लेके कोई सा भी बोगी क्यों ना हो, चलो 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 बस चलो चलो ही होते रहता है। बाकी देखेंगे, आगे चलते हैं, खाते हैं पिलाते हैं। और यहाँ का जो अमरूद होता है 100 रुपये 50 रुपये किलो मिल जाता है, वो खाना मिस ना करो, बहुत बढ़िया होता है। और मैं जा रहा था अमरूद खाने, तो ये आशीष भाई ने देखो घर से खाना लाया है, आलू के पराठे और एकदम हरा मिर्ची के साथ साथ में सब्जी। भाई टेस्ट की बात करें तो आप क्या ही बताएं, घर का खाना तो हमें कितने दिन बाद बार मिलता है और ऐसे ऐसे भाई मिल जाते तो मज़ा ही कुछ अलग है। ट्रेन निकलने तो बहुत दिन है अभी। और भाई साहब ट्रेन अपनी निकल चुकी है प्रयाग से, और भीतरवा जा हो रहा है, पता है क्यों, क्योंकि इस ट्रेन में जगह ही नहीं है। फिलहाल में हम लोग पीछे की कंडीशन दिखाते हैं, फिलहाल में आ गया है जहाँ हमें दिखाएं। और ये भाई भी हमारे कह रहे हैं हमें भी दिखाया, कहाँ जा रहे हैं आप? सिकंदराबाद जा बिहार से, यूपी से, बिहार से। तो देखिए कितना हमारे सारे भाइयों लोगों को तकलीफ हो रहा है, पैर हटा कट जाए, पैर उठा ले, पैर उठा भाई कट जाएगा। और भाई कितना तकलीफ हो रहा है, मतलब पूरा सिकंदराबाद का आने जाना पड़ रहा है। बाकी आगे का भी वही हालत है जो पीछे का जनरल का स्लीपर का हाल है, सब वही हाल। तो इसीलिए ना कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाइए, अब एसी में जाइए धीरे धीरे। सरकार अब स्लीपर क्लास भी हटाने वाला है कुछ दिन बाद, जनरल क्लास तो सोचो एक तरीके से खत्म ही कर दिया, 4 की जगह 2 कर दिया ना, अभी भी 2 ये भी 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। और अगर एक्चुअल में कह रहा भाई सच में आगे वाला कोच का ज़्यादा हालत खराब है ना कि पीछे वाला जनरल कोच के हिसाब से, क्योंकि जो पीछे है कि स्लीपर में भी लोग जिनका मन कर रहा है वो टिकट कटा के चले जा रहे हैं, और इधर में भाई एसी वाला पीछे बोगी है, ना जा सकते हो ना हिल सकते हो, टॉयलेट जाना वाला तो इसमें भूल ही जा रहा, क्योंकि ये सब सुविधा इस जनरल क्लास के लिए, मतलब बिहार से जुड़ी ट्रेनों के लिए उपलब्ध नहीं होता। अगर यही साउथ की ट्रेन होती चाहे मध्य प्रदेश की ट्रेन होती तो उधर में भाई सब ट्रेन की क्वालिटी कुछ अलग ही होती है। भीड़ का आलम कुछ अलग है यहाँ पे। बहुत 20 मिनट रुकेगा भाई। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं ट्रेन अपनी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और भीड़ का आलम कुछ अलग है, क्लास का जर्नी है ये, स्लीपर क्लास वाला का ये हालत है, ऐसा लग रहा है कि स्टेशन पे मेला लग गया है, किसी मेले से कम नहीं है। जब ऐसा भीड़ होगा तो भाई मेला से भीड़ कैसे कहेंगे कम।
हाँ तो ये जो भीड़ भाड़ का माहौल है इनका भाई का, तो ये सब तो चलता रहेगा। वैसे बात करी इस बनारस की ना, तो भाई साहब बनारस का या वाराणसी जंक्शन, भाई मैं वाराणसी जंक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा बनारस के बारे में, क्योंकि भाई साहब जब आपने अभी तक बनारस नहीं आया ना, तो आप अभी फिलहाल में अपने लाइफ का सबसे यादगार सफर है मिस कर रहे हो। भाई साहब यहाँ आइए वाराणसी में, भाई साहब काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए, यहाँ के एकदम मस्त 80 घाट घूमिए, 84 घाट है, जिसमें से प्रसिद्ध 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, कड़िका घाट, हरिश्चंद्र घाट, बहुत सारे घाट है घूमिए, और यहाँ का लस्सी पिए, यहाँ के गलियों के नज़ारे तो कुछ अलग ही होते हैं। बाकी ये ट्रेन का नज़ारा बहुत बुरा हो चुका है, तो ये सब ट्रेन का नज़ारा तो देखते रहेंगे, चलते हम भी जानते हैं, जनरल में तो घुस नहीं पाएंगे, किसी स्लीपर वाले के गेट पे घुसेंगे। और भाई साहब इस गेट पे नहीं, ये भाई साहब भी अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बताओ प्रॉब्लम बताओगे तभी कुछ होगा, कि भाई साहब लोगों को टॉयलेट में जाना पड़ेगा। आप लोग कहाँ तक जाओगे? सिकंदराबाद तक इसी कंडीशन में जाएंगे, और लोग छुप रहे हैं भाई, छुपने से नहीं होगा, आप बताओगे तभी कुछ होने वाला है। कोई से मतलब कोच नहीं है, कोई सा भी जगह नहीं है जहाँ पे आप सभी कुछ बढ़िया मिल सके। बात तो समझो, क्या समझ रहे जी, क्या समझना, क्या बैठे बैठे मत करो, हम भी क्या हल्ला मत करो, हम भी आपकी के साथ है, आपकी तो मैं क्या है, उसे बोलो उतर के रहा, धीरे बोलो, अरे आगे जा, हट आ, बात करो अंदर के, बात करो अरे धीरे धीरे ओए समझ नहीं आ रहा, बोलो तो बोल ना, अरे बैठो, एक बार में समझ गया ना, समझ में नहीं आ रहा आपको, नहीं नहीं आप समझ में नहीं आ रहा है, साइड इधर बात करो यार, उसको मैं मारूंगा, उसको मारूंगा, नहीं अपना सीट पे बैठा हूं, आके मार देगा अपना सीट, बोल मारा हम उनको चले तो इन्होंने और भीड़ भाड़ के कारण इस ट्रेन में लड़ाई होना लाजमी, हाँ इधर ही रहते हैं लाजमी है, क्योंकि भाई साहब जब देखो एक सीट है उसमें चार चार पहले बैठे, तो उनको आने में भी स्ट्रगल करने का है, और एक बार बोलने पे उठते भी नहीं है, और साउथ की लैंग्वेज और अपनी ये नॉर्थ का लैंग्वेज मिल जाता है तो थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। बाकी आए हैं आरपीएफ वाले, समझाई देंगे, और ऐसे भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं लोग की देर। और भाई साहब ट्रेन अपनी पहुंच चुके हैं ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन, और सारी की सारी, अब वो मैं रखने के लिए थे गुटका थुकरा था, मैं क्या करूँ, और बाकी सारी की सारी देखो हर एक स्टेशन पे गेट बंद है। वैसे हमने ज्ञानपुर से चाय पी ली है भाई साहब, काफ़ी बढ़िया है, कितने 10 रुपये का भैया दिया था ना, आपका चाय बहुत ही बढ़िया है, तो जब भी ज्ञानपुर से निकले या आए तो भाई साहब ये चाय पी सकते हैं, ज्ञानपुर रोड है ये। बाकी देखते हैं फिर से हम कहीं इस ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे चाय हर स्टेशन में मिलने लगे ना भाई, तो क्या जरूरत है स्टेशन के बाहर का चाय पीने का, इन सब भैया लोगों का ही चाय बढ़िया है यार। और पेंट्री वाले में भाई सब बड़ा भसड़ मचा हुआ है, लग रहा है कि हमें रेलना पड़ेगा, देखते हैं क्या ही छोड़ो, हम छोड़ देते यार कि अब क्या बोले, आप लोग समझदार हो, समझिए अपना हक अपने आप लीजिए, कितना लड़े हम इन लोगों से, ये नहीं सुधर सकते। भाई सब ट्रेन अपनी पहुंची प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, भीड़ देखो सबने, भाई सब झोला झोली खोल ले भाई, खोल दे ये वाला बैग, हाँ खोलो खोल दे इसका, और भाई बैग को लेके अब हम निकल रहे हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे ना, तो आपसे बातें करेंगे बाद में, ये झोला झकड़ी जो भी चीज का है उस सब के बारे में बताएंगे, पहले निकलने तो भीड़ यहाँ से भी काफी ज्यादा। भाई साहब प्रयागराज में उतरने की कोशिश की जा रही है, गेटो ठहरे भाई इधर, हाँ गेटवा खोलो ना जी, ये मेरा बैग उठाना, अरे बाप भाई विशाल भाई, और मेरे को देखो भाई इस ट्रेन में, मतलब यार कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो रहा है। और बात करें इस ट्रेन की तो भैया कान पकड़ते साला, इधर तो नहीं आएंगे, ये देखो पता नहीं लोग कैसे जाएगा नहीं जाएगा, और आप सभी सोच रहे हैं यहाँ उतर गए भाई, अब मेरे अंदर जान नहीं बची रे भाई, पागल हो जाएगा आदमी अगर इस ट्रेन में जर्नी करेगा तो। और आप सभी को ये अगर फुल जर्नी देखनी है ना, तो आपके भाई में हिम्मत इतनी है कि आप सभी के लिए इस ट्रेन जर्नी को पूरा किया एक बार, उधर से मैं झोला बांध के पता नहीं क्या क्या कर, झोला झकड़ी जैसे भी सोते हैं जो लोग होता है, फुल जर्नी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा आज तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है फिलहाल में,
क्योंकि भाई साहब देख रहे हो भीड़ है, और भीड़ ऐसा है कि साला पागल हो जाओगे आप लोग। बाकी आप सभी को आशा करते हैं यहाँ तक कि जर्नी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक शहर में किसी एक चैनल का, जब तक के लिए चाहिए हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।